हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज हक्का नूडल्स। प्लीज वीडियो को फुल देखें, स्किप मत करें। हक्का नूडल बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने लंबा लंबा स्लाइसेस में काट लिया है। चाहिए हमें गाजर, उसे भी हमने लंबा लंबा स्लाइसेस में काट लिया है। और चाहिए हमें शिमला मिर्च, हमने यहाँ पर ग्रीन शिमला मिर्च ली है, उसे भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और मैंने ली है प्याज। प्याज को मैंने दो तरीकों से काट लिया है। हमने वेजिस के बाद ली है कुछ सॉसेस, सोया सॉस। यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस ली है, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस, गार्लिक कटा हुआ, जिंजर पेस्ट, 3 से 4 बड़े टेबलस्पून हमने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल। और लिया है मैंने थोड़ा सा वाइट विनेगर। और लिए हैं थोड़े से कुछ सूखे मसाले। लेट गेट स्टार्ट्स। मैंने लिए हैं यहाँ पर एक पैकेट के करीब हक्का नूडल्स, 150 ग्राम के करीब है ये। और इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में 1 से 2 लीटर के करीब पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब पानी बॉयल हो गया है। अब हम डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट और इसके बाद डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल और अब डालेंगे हम नूडल्स। नूडल्स को अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स अच्छी तरह से खुल चुकी हैं। अब हमारी नूडल्स बॉयल हो चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी फिंगर की हेल्प से चेक करेंगे कि नूडल्स कुक हुई हैं कि नहीं। नूडल्स 80% कुक हो चुकी हैं। हमें ऐसी ही नूडल्स चाहिए। अब हम लेंगे एक स्टेनर और उसमें नूडल्स को स्टेन कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद हम इसे एक प्लेन सरफेस वाली प्लेट पर निकाल लेंगे और इसे हवा में छोड़ देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा करके, जब तक के ये अच्छी तरह से 1-1.5 घंटे के लिए सूख ना जाए। हक्का नूडल बनाने के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई। आप यहाँ पर आयरन की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखना है कि हक्का नूडल बनाने के लिए गैस का फ्लेम हाई ही रखना है सारी रेसिपी में। हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर अच्छा 3 से 4 टेबलस्पून डालने हैं और अच्छी तरह से गर्म हो देना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, गार्लिक को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम डालेंगे इसमें लंबा कटा हुआ प्याज और डाइस किया हुआ प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भूनना है हमें, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को हमने 1/2 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन करना है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कटी हुई हमारी सब्जियाँ। कटी हुई सब्जियों में से पहले हम डालेंगे शिमला मिर्च, कैप्सिकम, उसके बाद डालेंगे लंबी स्लाइस की हुई गाजर और डालेंगे पत्ता गोभी। इन सारी सब्जियों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। सब्जियों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लिया है। अब इनका कच्चापन
निकल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। हम इसमें 2 बड़े टेबलस्पून वाइट विनेगर डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ की है। अब हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप। टमाटो केचप थोड़ा सा नूडल्स में ज़्यादा ही डालें, इससे नूडल्स का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर, और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छे से हम सभी मसालों को सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे बॉयल किए हुए नूडल्स, जिन्हें हमने बॉयल करके ठंडे पानी में साफ करके और तेल लगा के रखा था। अब हम नूडल्स को अच्छी तरह से सभी वेजीज में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हम इसे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, हम एक स्पैचुला लेंगे और फोक की हेल्प से इसे ऐसे उठाएंगे और ऐसे टॉस करेंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां सभी नूडल्स के साथ मिक्स हो जाएंगी। वेज हक्का नूडल्स रेडी हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आइए नूडल्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खिली खिली और अच्छी नूडल्स बनी हैं। बिल्कुल भी स्टार्ची नूडल्स नहीं बनी हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी और खिली खिली नूडल्स बनी हैं। आप ही अपने घर में ऐसे ही बनाएं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये नूडल हक्का नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैप्पी कुकिंग।